दिल्ली में किसानों पर हो रहे दमन के खिलाफ शुक्रवार भाकपा माले ने झंडा मैदान से टावर चौक तक एक प्रतिवाद मार्च निकाला। इस दौरान किसानों के सभी मांगों को पूरा करने की मांग की गई। प्रतिवाद मार्च की अगुवाई करते हुए किसान नेता पूरन महतो, राजेश यादव तथा राजेश सिन्हा ने कहा कि हर मोर्चे पर विफल मोदी सरकार अपना गुस्सा किसानों पर निकालना चाहती है। काले कृषि कानूनों के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन के सामने मोदी सरकार को झुककर न सिर्फ कानून वापस लेने पड़े बल्कि एमएसपी सहित कई वादे करने वाली सरकार ने आज तक उसे पूरा नहीं किया। कहा कि इसलिए किसान पुनः दिल्ली की ओर कूच कर मोदी सरकार द्वारा किसानों से किए सभी वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अपने वादों को पूरा करने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को कुचलने में एड़ी छोटी एक किए हुए हैं। यह नहीं चलेगा, सरकार को किसान मजदूरों को सभी जायज मांगों को पूरा करना होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रीति भास्कर, नागेश्वर महतो, संजय यादव, मनोज यादव, अन्ना मुर्मू, संतोष राय, रियाज अंसारी, मोहम्मद इकराम, योगेश्वर प्रसाद, वासुकी यादव, ठाकुर मंडल, झारखंडी मंडल, राजेश मांझी, रामलाल यादव, प्रदीप यादव, नकुल मंडल, हृदय मंडल, संजय कुमार, सुजीत दास सहित अन्य लोग मौजूद थे। पूरे भारत में किसानों के सवालों को लेकर भारत बंद था। आज किसान महासभा के तरफ से भी गिरिडीह में प्रतिवाद मार्च हुआ और जिस तरह से भाजपा सरकार, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे निजीकरण का मामला हो, चाहे 2014 में जितने भी वादा किया हो वो वादा हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार देने की प्रत्येक साल वादा हो, ये तमाम में फेल है। पूरे भारतवर्ष में किसानों के हक अधिकार के लिए जो एक दिवसीय विरोध प्रतिवाद मनाया जा रहा है, ये प्रतिवाद इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार द्वारा किसानों पर जिस तरह से आक्रमण उतर आया है, पिछली बार भी किसानों को ठगा गया था, झूठे वादे करके उन वादों को पूरा नहीं किया गया। दोबारा किसान जब अपने हक अधिकार के लिए दिल्ली कूच किए हैं, उनको रोकने की विभिन्न तरह के प्रपंच अपनाया जा रहा है। आज 16 फरवरी को पूरे देश में मोदी शाह की तानाशाही शासन के खिलाफ में प्रतिवाद मार्च किया जा रहा है। ग्रामीण इलाके में हड़ताल चल रही है। मेहनत कर मजदूर किसान आज अपना काम का स्थगन करके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यह सब इसलिए हो रहा है कि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ काले कानून लाए। मोदी सरकार ने देश के मजदूरों के लिए पहले से जो श्रम कानून थे उनको रद्द कर दिया। इन सब चीज़ों के खिलाफ में जब आंदोलन चला तो सरकार को एक तो काले कानूनों को वापस लेना पड़ा और उसी समय मोदी सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे, लेकिन यह देखा गया कि वो वादे करके उन्होंने आंदोलन तो वापस कराया लेकिन उन वादों पर कोई अमल नहीं किया गया। इसलिए बाध्य होकर के देश के लाखों किसान फिर से जब दिल्ली कूच किए हैं तो यह मोदी सरकार को गवारा नहीं है और आपने देखा कि किस तरीके से इस सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर पूरा एक अवरोध पैदा करके किसानों को दिल्ली जाने से रोक रहे हैं। इसी के खिलाफ यह प्रतिवाद है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उन्होंने जो वादे किसानों से किए उन सभी वादों को उनको पूरा करना होगा, एमएसपी का कानून को बनाकर लागू करना होगा और देश के मजदूरों के लिए जो 44 श्रम कानून जिसको सरकार ने निरस्त किया है वो सभी मजदूरों के हक में है, उन कानूनों को फिर से